welcome students uh, i think we are almost done with this chapter that's the organism reproduction in organisms and we are left with some few things that we will be discussing also so have pre-fertilization fertilization post-fertilization post -fertilization events already discussed kiya hai. now we will be talking about the ऑर्गेनिजम्स किस किस्म के होते हैं हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं यूजुअली दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स कुछ को बोलते हैं ओवे पैरिस कुछ को बोलते हैं वी, वी पैरिस सो so, ओवे पैरिस क्या होते हैं एंड वी पैरिस क्या होते हैं ओ पैरिस की पहले बात करते हैं ओवे पैरिस वाले जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ओवे ऐसे वाले ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनमें जो जाइगोट होता है वो डेवलप होता है आउटसाइड द बॉडी डेवलपमेंट ऑफ़ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट आउटसाइड द फीमेल पेरेंट ठीक है तो उसको हम बोलते हैं ओवर हम इसमें ओवर की एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ रेप्टाइल्स की कुछ बर्ड्स की वो क्या करते हैं वो एग्स uh, अपने बॉडी के बाहर छोड़ दे और जो एग्स होते हैं ये कैलकेरियस होते हैं ठीक है कैलकेरियस यानी कि दे आर मेड फ्रॉम कैल्शियम तो सो दैट जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो उनसे सेफ रहे अंदर वाले जो डेवलपिंग बेबीज हैं वो सेफ रहे दिस इज अबाउट द ओवर पेरिस ओवर पेरिस आर द एग लिंग ऑर्गेनिजम्स वी कैन से लाइक बर्ड्स रेप्टाइल्स दे ले देयर एग्स आउटसाइड देयर बॉडी एंड दे सराउंड विद द कैल केरियस शेल जो कि कैल्शियम रिच शेल होती है दिस इज अबाउट द ओवर पैरिस ना वी विल बी टॉकिंग ट पैरिस विवो पैरिस वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने जयगोन को डेवलप करेंगे इनसाइड देयर बॉडी बॉडी के बिल्कुल अंदर डेवलप कर लेंगे वी कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमंस मैमल्स बिकॉज वो बॉडी के अंदर नरिश करते हैं अपने uh, बेबीज़ को थैंक यू